अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। गिद्दरवाहा प्रशासन की ओर से बाहरी राज्य से आने वाले लोगों की खातिर शहर के बीचों बीच बने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़कियां में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर को लेकर स्कूल के आसपास मोहल्ले में रहते लोगों की ओर से इसका विरोध जताते हुए घरों से बाहर आकर प्रशासन को इस बनाए गए सेंटर को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की गई। इस सेंटर को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर मोहल्ला वासियों ने कांग्रेस पार्टी के शहरी प्रधान दीपक गर्ग को मौके पर बुलाकर विधायक राजा वनिक तक अपनी फरियाद भी लगाई। इस दौरान लोग जब स्कूल जहां क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया वहां इकट्ठा होने लगे तो मौके पर पहुंचे एसएचओ मैन रमनजीत कौर ने लोगों को समझने की कोशिश की। इस दौरान एसएचओ मैन रमनजीत कौर की ओर से लोगों के बीच काफी समय बातचीत होती रही, मगर जब वहां से लोग जाने को तैयार नहीं हुए तो उनकी ओर से सख्ती दिखाई गई और लोगों को कफयू का पाला देते हुए सख्त कार्यवाही करने की बात कही तो लोग वहां से वापस अपने अपने घरों को परतने लगे। क्वारंटाइन सेंटर बनाने लिए अपने सरकारी स्कूल कुड़ियां का गिदड़वा वो विषय किया गया है भी सरकार ने कोशिश किया है भी जो गिदड़वा अपना सरकारी स्कूल है कुड़ियां का उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बनाना है। जिन्हें भी मरीज जोड़े बाहर गए हैं लोग जोड़े भी कोई धार्मिक जगह पर गए हुए हैं उन्होंने लिया के इतने रोकने की उन्होंने योजना बनाई है। बट ये जो एरिया हैगा ये स्कूल है ये बिल्कुल अपने शहर के सेंटर के पैदा है। ये आले दुआले बहुत ही रेजिडेंशियल लोग रहते हैं जिन्हें करके रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। एक इन्फेक्शन तुम बिल्कुल शहर के लिया के दूजे दानों भी खतरे में पा रहे हो। प्रशासन अगे साढ़े सारे वालों यही बेनती है कि कृपा करके तुम इस आपके जो डिसीजन के उत्ते थोड़ा जहा सोचो। इन्ने लोग जो इतने खड़े हुए हैं किसी गल करके खड़े हुए हैं जे तुम कोई क्वारंटाइन सेंटर बनाना भी चाहते हो उन्होंने कृपा करके शहर के ना बनाओ हालांकि उन्होंने शहर तो बाहर बनाओ। जे इसलिए थोड़े को प्रशासन कोई किसी आर्थिक मदद की सपोर्ट चाहती है तो कोई मैन पावर की कमी है तो असं सारे मिलकर उस भी तैयार हैं हेल्प करने लिए। साड़ी इन्नी प्रशासन को रिक्वेस्ट है बींग ए डॉक्टर मैं नहीं पूरा WHO भी ये कहता है भी ये कि खतरनाक वायरस हैगा ये इस करके जो क्वारंटाइन सेंटर सूँ बना चाहिए साड़ी कृपा यही है सिर्फ इनू तुम शहर तो बाहर बनाओ ता कि होर लोगों की जान खतरा ना हो। धन्यवाद। उन्होंने भी जो प्रशासन ने जो सिस्टम स्टैप लिता है ये मतलब कि जो बाहरों बंदे आ रहे हैं उन्होंने कुछ लड़कियों वाले स्कूल के ठहराने का प्रोग्राम बनाया। असी सारे जोड़े गली के मोहल्ले के आसे पास लोग कट्ठे हुए हैं कि वो कैंसल करने वास्ते कट्ठे हुए हैं जे क्योंकि जी कि एड्डा खतरनाक वायरस है वो शहर के ना फैल जाए। अज जो ये साडा शहर है गिदड़वा मंडी है ये ग्रीन जोन के आँदी है एक ना हो एक तो रैड जोन के आ जाए तो हजारों के हिसाब से इतने मौत होपैसिटी सोच यह है भी जोड़ा ये शहर के चक के किसी सेंटर कितने होर बनाया जाए ये साड़ी डिमांड है। ये जे कोई प्रशासन किसी किस्म की लड़ पेगी सारे शहर निवासी वो नाल है किसी प्रशासन घर गलबात की SDM साहब ने गल की थी दीपक जी ने जिहड़े शहरी प्रधान ने दीपक गर्ग उन्होंने गल की वो कहते भी अज का दिन मतलब रात रुक जाइए सुबह कोई ज्यादा डिसीजन लवेंगे पर नहीं इंपोसिबल है जी हो नहीं सकता है। लगभग नाले लोगों ने एक भी कहा जा रहा भी ये राजस्थान के अलवर के जैसलमेर बाड़मेल वनी बंदे आ रहे हैं और यह तो 800 किलोमीटर दूर है मतलब ये है भी ए दरम्यान इन्हों कोई गवर्नमेंट जगह नहीं मिली। तुसी मल्लाले कट्ठे होए हो तो तुहाडा अगला की स्टैप होएगा जो सानू जो भी कुछ करना पवेगा ये विरुद्ध जिहड़ी भी साडे तो होएगा असीं ओह करांगे। सारा शहर सारे गलियां सारे लोग इकट्ठे है इहदे विच शहर वासी के दरवाजे। हाँ जी मैं बलकार ते अज साडे मंडी दे विच इत्थे कुड़ियां वाला स्कूल है जी उहदे विच कुछ पेशेंट बाहरों आ रहे हैगे जिहड़े ये तो कह रहे जी कोरोना पॉजिटिव नहीं है ते वैसे हो सकदा उहनां दे विच कोई होवे ते साडा जिहड़ा प्रशासन है वो साथ नहीं दे रहा। ये तो पासे बहुत जगह है जिवें श्री चंद कॉलेज है साडे नाल ही लगदा गा वो खाली पिया है। गिरजे वाले स्कूल हैगा वो भी खाली हैगा उत्थे भी रख सकते हैं पर यह मंडी के वसों के रख रहे हैं ये बहुत माड़ी गल है इन्हों की
ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਪਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਹੈ? ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਠੱਪ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਸੁਬਹਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। MLA ਤੇ MC ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਲੀ ਚ ਨਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਬਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੁਬਹਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ MLA ਕਿੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ MLA ਕਿੱਧਰਵਾ। MC ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿੱਟੂ ਹੈ ਜੀ, ਬਿੱਟੂ ਗਾਂਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਡਮ, ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਲੀਅਰ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਣਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਣਾ। गिद्दड़ बाहा से शक्ति जिंदल की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।